नमस्कार, मेरा नाम विनय त्रिपाठी है और आप नव भारत टाइम्स देख रहे हैं। आज दिल्ली एनसीआर की हालत ये है कि घर से बाहर निकलते हुए भी गला चोक हो रहा है, लोगों को खांसी आ रही है, सांस लेने में भारी परेशानी हो रही है। अगर युवा लोगों की ये हाल है तो सोचिए बुजुर्ग और बच्चों का क्या हो रहा होगा, ये आप कल्पना कर सकते हैं। हर साल सर्दियों के मौसम में वायु प्रदूषण जानलेवा स्तर तक हो जाता है, मगर इस समस्या का कोई ठोस समाधान अब तक नहीं निकाला गया। एक दिन पहले मुख्यमंत्री दिल्ली की आतिशी ने ग्रैब 4 लागू करने का ऐलान किया। इसके साथ ही गूगल में ये ट्रेंडिंग टॉपिक बन गया। लोग गूगल से पूछने लगे कि ग्रैब 4 को लागू होने के बाद क्या पाबंदियां लग जाएंगी या दिल्ली में कौन कौन से नियम नए लागू हो जाएंगे। आज हमारी कोशिश रहेगी कि इस दुविधा से आपको बाहर निकालें और सही और सटीक जानकारी ग्रैब 4 के बारे में आप तक पहुंचाया जाए। सोमवार यानी आज से ही कक्षा 10 और 12 के छात्रों को छोड़कर सभी स्कूल ऑनलाइन क्लासेस चलाएंगे। प्रदूषण को रोकने के लिए ग्रैब 4 को लागू करने के साथ अब डीजल से चलने वाले BS4 या उससे नीचे की इंजन इस कैटेगरी के वाहन को दिल्ली में एंट्री नहीं मिलेगी। हालांकि आवश्यक वस्तुओं को लाने ले जाने वाले वाहन और इमरजेंसी व्हीकल को इससे छूट मिलेगी। दिल्ली के बाहर से रजिस्टर्ड डीजल गाड़ियों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। केवल इलेक्ट्रॉनिक CNG और BS6 डीजल गाड़ियां ही दिल्ली में अब एंट्री कर पाएंगी। ग्रैब 1, 2, 3 और 4 लागू कब किया जाता है? ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान यानी कि ग्रैब 1 तब शुरू होता है जब एक QI का लेवल 201 से 300 के बीच होता है। इसमें सोशल अवेयरनेस, धूल नियंत्रण और खुले में किसी भी चीज को जलाने में प्रतिबंध लागू किए जाते हैं। जब एक QI 301 से 400 के आंकड़े तक पहुंच जाता है तो ग्रैब 2 लागू कर दिया जाता है। इसमें डीजल जनरेटर पर रोक लगा दी जाती है और मशीनों से सफाई करने में भी प्रतिबंध लग जाता है। ग्रैब 3 तब लगाया जाता है जब एक QI 400 को पार कर जाता है। ये एक खतरनाक स्तर होता है। इसमें अगर अपवादों को छोड़कर सभी तरह के निर्माण कार्य बंद कर दिए जाते हैं, भारी वाहनों की एंट्री को बहुत सीमित कर दिया जाता है, उसके लिए गाइडलाइंस तैयार की जाती हैं। ईंट भट्टा संचालन पर भी रोक लगा दी जाती है। अब आता है ग्रैब 4 जो कि आज से लागू किया गया है। ग्रैब 4 तब सक्रिय होता है जब एक QI का लेवल 450 से अधिक हो जाता है। ये एक हेल्थ इमरजेंसी जैसी सिचुएशन होती है। इसमें कंस्ट्रक्शन पूरी तरह से बंद हो जाता है, स्कूल बंद कर देने पड़ते हैं और इवन योजना सहित वाहनों पर सख्त प्रतिबंध भी लगाने पड़ते हैं जो कि सरकार लगा सकती है। अब हम आपको बता दें दिल्ली NCR में ग्रैब 4 के तहत जो अभी तक मुख्य प्रतिबंध कौन कौन से हैं। ग्रैब 4 लागू हो जाने के बाद राजधानी में ट्रक, लोडर समेत अन्य भारी वाहनों को दिल्ली में प्रवेश करने की इजाजत नहीं होगी। हालांकि आवश्यक सामग्री की आपूर्ति करने वाले वाहनों को प्रवेश दिया जाएगा। EV यानी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, CNG और BS4 डीजल पर चलने वाले और आवश्यक सामान ले जाने वाहनों को छोड़कर दिल्ली में गैर पंजीकृत BS4 और उससे कम इंजन वाले चलने वाले जो मध्यम MGV जिनको हम लोग कहते हैं और भारी वाल वाहन यानी कि HGV के दिल्ली में चलने पर पूर्ण प्रतिबंध लागू रहेंगे। हालांकि अति आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाले इमरजेंसी व्हीकल पर ये लागू नहीं होगा। मेट्रो रेल, हॉस्पिटल, रेलवे और रक्षा परियोजनाएं जैसे महत्वपूर्ण इनके बुनियादी ढांचों को छोड़कर किसी भी तरह का निर्माण कार्य में रोक रहेगी। इसमें सड़क, राजमार्ग, फ्लाईओवर जैसे निर्माण कार्य और इनको ढहाने की प्रक्रिया भी बंद रहेगी। ये सब धूल और कण उसके वायुमंडल पर ना फैले, इसको रोकने के लिए निर्माण कार्यों पर पाबंदी लगाई जाती है। राज्य सरकार स्कूली छात्रों के लिए ऑनलाइन क्लासेस और सरकारी और निजी कार्यालयों के लिए घर से काम करने का भी निर्णय लेती है। ऑड इवन का निर्णय भी चौथे चरण में लिया जा सकता है, हालांकि ये जरूरी नहीं है। सरकार ये फैसला लेगी कि सरकारी, नगरपालिका और प्राइवेट दफ्तरों में 50% कर्मचारियों को घर से काम करने की अनुमति देनी है या नहीं। GRP स्टेज 4 के तहत दिल्ली में रजिस्टर्ड डीजल में चलने वाले मध्यम, भारी और माल वाहनों यानी कि BS4 या उससे कम वाले वाहनों पर BS3, 2, 1 पर प्रतिबंध है, लेकिन जरूरी सामान ले जाने वाले वाहनों को छूट होगी। दिल्ली NCR में स्थित कार्यालयों को 50% क्षमता के साथ काम करने की सलाह दी गई है। शेष कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम यानी कि घर से ही काम करने की सलाह दी जाएगी। दिल्ली NCR में रविवार को एक QI 500 के पार दर्ज किया गया। कई इलाकों में एक QI खतरनाक श्रेणी में दर्ज किया गया। AQI.in के मुताबिक दिल्ली का एक QI सुबह 8 बजे 477 था, जो रविवार की शाम को 548 हो गया। इसके अलावा अलीपुर का एक QI 586,
आनंद लोक का 586, आनंद पर्वत का 521, आनंद विहार का 608, अशोक विहार फेज वन का 539, बवाना इंडस्ट्रियल एरिया का 534, भलसवा लैंडफिल का 508, ग्रेटर कैलाश का 586, आईटीआई शाहदरा का 608, कालका जी का 646 और पीजीडीएवी कॉलेज का एक्यूआई लेवल 701 था। इस समय हेल्थ इमरजेंसी जैसी हालात है, लोगों को बहुत ज़रूरी हो तभी अपने घरों से बाहर निकलें। खास तौर से जिनको दमा है, एस्थमेटिक हैं, जो बुजुर्ग हैं, जिनको हृदय संबंधी सांस संबंधी परेशानी है, वो बिल्कुल घर से बाहर निकलें, अवॉइड करें, क्योंकि आपको जो ये धुंध दिख रही है ये कोहरे की कम प्रदूषण की ही पूरी लेयर है। इसके कारण हम देख रहे हैं कि लोगों को आँखों में जलन होना, आँखों में लालपन आना, रेडनेस हो जाना, खांसी होना और इस तरह की शिकायतें बिल्कुल आम हो गई हैं और ये सब का कारण पॉल्यूशन है। और छोटे बच्चों को जितना हो घर के अंदर उनको रखा जाए और अगर बच्चे 4 साल 5 साल की उम्र के बड़े हैं, अगर वो मास्क लगाते हैं तो अगर घर से बाहर जाए तो अच्छी क्वालिटी का मास्क ज़रूर लगाएं। अगर ये सब सावधानियां हम लोग नहीं बरतेंगे तो बीमार होना बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि प्रदूषण का स्तर 500 AQI के ऊपर चला गया है। मतलब अब हेल्थ इमरजेंसी जैसे हालात दिल्ली NCR में बन चुके हैं।